अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास बेटा, टुडे वी विल डू द ऑरल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर फोर व्हाट प्लांट्स प्रोड्यूस रिलेटेड टू पेज नंबर 23 एंड 24. ठीक है, लास्ट टाइम हमने 21 एंड 22 किए थे. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज टेल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स. के स्टेम्स के डिफरेंट काइंड्स के बारे में आपने बताना है. स्टेम्स कैन बी हॉलो और सॉलिड, राउंड और स्क्वेयर, रफ और स्मूथ. के स्टेम्स की डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं. हॉलो मीन्स क्या होता है बेटा? हॉलो मीन्स के अंदर से बिल्कुल खाली और सिर्फ साइड पे बाउंड्री होना, यानी कि आप जिसे खोखला का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. सॉलिड मीन्स के बहुत ज़्यादा हार्ड, राउंड मीन्स के प्रॉपर गोल शेप में, स्क्वेयर मीन्स के स्क्वेयर शेप में भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है. व्हाट आर ट्यूबर्स? के ट्यूबर्स क्या होते हैं? एंड द आंसर, दीज आर स्टेम्स विच ग्रो अंडरग्राउंड. ट्यूबर्स क्या होते हैं कि एक्चुअली में होते तो ये स्टेम्स ही हैं, लेकिन इन्हें अंडरग्राउंड ग्रो किया जाता है. और ट्यूबर की बेस्ट एग्जांपल अपने माइंड में लेके आएँ जिंजर, जो अदरक हम लोग डिफरेंट किस्म की डिशेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ ट्यूबर. ठीक है, होता वो स्टेम में, लेकिन उसे अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो किया जाता है. वट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर कॉल्ड? कि जो कॉलीफ्लावर होते हैं उसके वाइट वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? द वाइट पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड द वेजिटेबल. कि जो वाइट पार्ट होते हैं जब कॉलीफ्लावर हम लोग कुक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो उसके ग्रीन लीव्स होते हैं उन्हें वेस्ट कर देते हैं, अंदर वाला वाइट पार्ट जो फ्लावर होते हैं हम उसको कट करके बनाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज वेजिटेबल. एंड द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डज एन अनियन ग्रो फ्रॉम? के एक जो अनियन है वो किससे ग्रो करता है, यानी कि प्याज किससे ग्रो करता है? एंड द आंसर इज अनियन कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम सीड्स. कि अनियन को हम दोनों चीज़ों की मदद से ग्रो कर सकते हैं, बल्ब की मदद से भी और सीड्स की मदद से भी. ठीक है बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑरल क्वेश्चन आंसर्स. आपने इन्हें लर्न करना है और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपके समर पैक वन में ऑलरेडी मैंशनड है, आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, परेशान नहीं होना आपने, ये आपके पास ऑलरेडी आपके समर पैक वन में है, आपने इन्हें वहाँ से लर्न करना है. सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.